ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 91वीं एवं राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ महाराज की 6वीं पुण्यतिथि के समापन समारोह पर राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि पूज्य दोनों संतों की भारत के सनातन जीवन मूल्यों के प्रति अपार श्रद्धा थी व सनातन धर्म तथा भारतीयता का अनुसरण ही उन्होंने जीवन भर किया। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर करने तथा समाज को विभाजित करने व भारत को कमजोर करने के माध्यम बनते थे उनका डटकर विरोध किया। पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरक्षपीठ के अपने गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए निरंतर 45 वर्षों तक गोरक्षपीठाधीश्वर के रूप में केवल गोरक्षपीठ के भक्तों का तथा सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों व आदर्शों को स्थापित किया, वरन उसे एक नेतृत्व दिया तथा संकट के समय में भी एक योग मार्गदर्शक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरक्षपीठ का उद्देश्य सेवा के साथ जुड़कर लोक मंगन के कार्यों को करते रहना ही है। पूज्य महाराज जी का जीवन दर्शन जो हमें सदाचार व सत्य कर्तव्य के लिए नित्य प्रेरित करता रहा है, स्वच्छता की दृष्टि से गोरक्षपीठ के पूज्य संतों ने बहुत पहले से ही समाज में एक नए मापदंड स्थापित किए और यही स्वच्छता की अपनी दृष्टि अपने सारी संस्थाओं को दी। इस कोरोना महामारी में भी हम अपने महापुरुषों के प्रति इस प्रकार के भव्य कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसका उदाहरण हमें इस तकनीकी सहयोग से होने वाले कार्यक्रम से मिलता है। दिगंबर अघाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास महाराज ने कहा कि पूज्य महंत अवैधनाथ का जीवन हम सभी को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। वे और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत रामचंद्र परमहंस अन्य संतों से मिलकर श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन की अगुवाई की। उनके आंदोलन का ही परिणाम है कि 5 अगस्त को श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया। अयोध्या से पधारे रामानुजाचार्य स्वामी श्री राधाचार्य जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज से मिलने का सौभाग्य 2004 में मिला, तभी मैंने अपने गुरुजी के मुख से उनका गौरव सुना था। पुनः उनके जीवन को समीप से अनुभव करने का अवसर मिलता है। उनके नेतृत्व में गोरक्षपीठ रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सबको साथ लेकर सतत प्रयास करता रहा। आज वर्तमान पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। ये इस पीठ के पूज्य महंत दत्तवे की पुण्यतिथि के पूर्व संपन्न भी हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक सुभाष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष एवं पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, महापौर सीताराम जायसवाल, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, सांसद रवि किशन शुक्ला, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान, विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय संगठन मंत्री प्रदीप पांडे, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश महामंत्री हिंदू जवाबानी इंजीनियर पी के मल, डॉक्टर सी एम सिन्हा, भिखारी प्रजापति, लक्ष्मण नारंग, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, राकेश सिंह बघेल तथा गीता प्रेस उत्पादन प्रबंधक डॉक्टर लाल मणि तिवारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संपूर्ण कार्यक्रम का गोरखनाथ मंदिर के फेसबुक पेज तथा यूट्यूब व गोरखपुर न्यूज चैनल और गोरखपुर न्यूज के यूट्यूब फेसबुक पेज एवं ट्विटर हैंडल माध्यम पर लाइव प्रसारण किया गया। सेवक स्वामी राम नमामि नमामि और इसके पश्चात
मंच पर, आज मंच पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए देखने को मिलता है।
मैं भी गत 4 वर्षों में यहाँ पर पाप प्राण प्रचारक और उसके बाद में 2 साल से प्राण प्रचारक। जहाँ कहीं छोटी सूचना होती है किसी प्रकार की, वहां पर स्कूल के कार्यकर्ता खड़े, जहां आवश्यकता होती वहां पर यहाँ के लोग खड़े। यहाँ के हमारे परम श्रेष्ठ आचार्यों ने अपने जीवन को संगीत का रूप दिया। संगीत का रूप अर्थात राष्ट्र के स्वर में अपने स्वर को मिलाए, साधना किया है, साधना का चरम प्राप्त किया है, ऊंचाई पर गए, शिखर पर गए, लेकिन अपने जीवन को संगीत बनाकर के राष्ट्र के चरणों में अर्पित किया। क्योंकि हमारे महापुरुष कहते थे, चरण कमल पर माता तेरे, प्राणों का संगीत निछावर, तेरा देखो अमर रहे मां, हम निछा रहे न रहे। अवैधनाथ जी ने अपने को प्रस्तुत किया कि मैं अध्यक्ष का पद संभालूंगा और उन्होंने जो अतः मैं युग पुरुष दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्रीय संत मंचासीन और मंच पे सभागार के बैठे हुए उपस्थित पूज्य संतगण, सम्मानित विद्वजन, माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए सभी गोरक्षपीठ के हर अभियान में साक्षी और सहभागी हमारे बहनें और भाइयों, पूज्य महाराज द्वय को श्रद्धांजलि देने के इस क्रम में बड़ा यह गर्व का विषय है कि हम आज प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के बाद यह कार्यक्रम पूज्य महाराज के सपनों को साकार करता हुआ यह कार्यक्रम की यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा आयोजित है। इसमें गर्व के साथ राम काज गरीबों को आतुर के सभी अपने हिंदुवानी के कार्यकर्ता और सभी लोगों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि यह बड़ा ईश्वरीय कार्य आपके हाथों संपन्न हो रहा है कि हम भविष्य में विश्व के आश्चर्यों में एक नया आश्चर्य को परिभाषित कर सके, इस ओर हम अग्रसर हैं। श्री गोरक्षपीठ का अभियान अपने गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी का अभियान अपने दादा गुरु के श्री लग्न दिग्विजयनाथ जी महाराज के शुरू किए हुए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सौभाग्यशाली एवं जीवित मोक्ष की प्राप्ति में प्रभु राम लगा के हम 4 दिन पहले गए थे सरयू नदी में, जब हम डुबकी लगाए इतना आनंद आया जैसे हमारे रामलला 500 साल के कठिन तपस्या के बाद उनका पुनर्जन्म पुनर्स्थापित फिर हो गई, पूरा विश्व रंगमय हो गए, युद्ध की हर से भय लिया, मंदिर से भय एक शंखनाद हुआ कि प्रभुनाथ हमारे श्री राम रामलला आए। आज ये दिन बहुत अच्छा लगा, हम अपनी भावना में भय गए, कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं तो उनको क्षमा कर दीजिए, मंचासीन सभी लोगों को प्रणाम, जितने साधु संत देवता हैं सबके हम प्रणाम करें। और यह बात कि ब्रह्मलीन अवेद जी महाराज के बारे में जब भी हम सुनीला तो एक शब्द आवाला का हो पट्ठे, एक शब्द से वो जोड़ देते थे, पट्ठे बोलते थे और वो व्यक्ति उनका हो जाता। तो बनारस में जाए, जौनपुर जाए, पूर्वांचल जाए, महाराष्ट्र जाए, अहमदनगर जाए, शिरडी के पास, जहां भी है पट्ठे बोले और जुड़ते थे। हिंदुत्व और सनातन धर्म को सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा जोड़ा गया, जहां पर ये कि आप कैसे सनातन धर्म के साथ पढ़े, हिंदुत्व का नारा हिंदुत्व की रक्षा करते हुए अपने आप की ग्रोथ भी करें, टेक्निकली भी ग्रोथ करें, जैसे कि आज उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पर आ गया ग्रोथ में। आप बिजनेस करना है एक क्षण में आ सकते हैं, आपको 1000 टन तक कोई नहीं पूछेगा, ये है टेक्निकल हिंदुत्व की ग्रोथ, राज्य की ग्रोथ, विचारधारा की ग्रोथ। ये पाए हमारे पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज जी, अपने महाराज जी से, अपने गुरु जी से। तो सनातन धर्म साधु संत के साथ ग्रो कैसे करना, देश को कैसे बढ़ाना, राष्ट्र को कैसे बढ़ाना, मैं स्वयं यहाँ जब सांसद बना पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मैं स्वयं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए दुनिया नहीं थी, लेकिन यह कि सनातन धर्म की सेवा करते हुए अपने देश की तरक्की भी करें, राष्ट्र की तरक्की करें। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। हर हर महादेव।
मंच पर उपस्थित सभी महाराजगण, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखनाथ के पीठाधीश्वर परम पूज्य महाराज जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, साप्ताहिक श्रद्धांजलि सभा में गोरखपुर के सभी समाज के लोगों ने अपनी तरफ से परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत आदरणीय दिग्विजयनाथ जी को, ब्रह्मलीन महंत आदरणीय अवैधनाथ जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सभी वक्ताओं ने आज अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर सबको प्राप्त हुआ। आज मैं कहूंगा ये बात कि हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी, परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से जब राम जन्मभूमि के आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो मुझे भी यह सौभाग्य मिला था अपने स्वर्गीय पिताश्री के साथ, जब मैं उस समय क्लास 6-7 में पढ़ता था। मैं लखनऊ गया था दांत के इलाज के लिए, मुझे वो क्षण याद है। जब मैं दिखा के आ रहा था तो रात का समय था, अयोध्या में मैं गया और 2-3 कड़ाही मैंने भी वहां पर जाकर अपने पिता श्री स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी के साथ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ मुझे भी अवसर मिला था वहां पर देने के लिए। बड़े महाराज जी की स्मृतियां बहुत हैं, मुझे लगता है गोरखपुर के वासियों के पास, भले बड़े महाराज जी किसी के पास सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते ही थे, लेकिन शहर की क्या स्थिति है, चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात का हो, मुझे लगता है कि उनके बारे में सभी जानकारी होती थी। ये गुण ब्रह्मलीन महंत जी के, मुझे लगता है सभी लोग उनसे चीर परिचित रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी तरफ से, अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी। और यहाँ की आप लोग भी जानत होगा, सबसे सस्ता इलाज होगा पूज्य महाराज जी के कृपा से, और पूज्य महाराज जी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुरु गोरखनाथ जी की साला से लेकर सारा शिक्षण संस्था का मॉनिटरिंग करत रहे। आप ही के गुरु जो की राम जन्मभूमि के आंदोलन चलावे, उन्हीं के आशीर्वाद से पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री रह करते हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी आके अयोध्या में शिलान्यास कैले। आप पूज्य महाराज जी ही मुख्यमंत्री नहीं है, आप लोग भरोसा करी मंदिर का भव्य मंदिर बनता ओके शुभारंभ भी हुई। जैसे कि आप लोग जाना चाहिए 3.5 साल पूज्य महाराज जी के कार्यकाल हो गए, चाहे कोरोना काल में नहीं, चाहे सीए में नहीं, आप देखिए ना कोरोना में इसमें 1.5 लाख पूज्य महाराज जी जांच करे कर दिन पूरे प्रदेश में व्यवस्था कैले बन। बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी है, परिवार चलाने में दिक्कत हो गई, लेकिन पूज्य महाराज जी के कुशल नेतृत्व में आप लोग देखिए कितना बढ़िया तरह से घर घर जाके लोग इसमें जांच कर रहा था। पूरे देश में बहुत प्रदेश बढ़ा है, लेकिन हमारे महाराज जी का आप लोग देखिए पूरे देश में ही नहीं विदेश में कितना डंका बजाता है, केहू मुख्यमंत्री न बाद में भाई बात न आगे हो। पूज्य महाराज जी के हम सादर प्रणाम करें, गोरखपुर के जैसे विकास होता पूज्य महाराज जी आपके कृपा से बहुत बढ़िया विकास होता। हम एक बार सुनो गोरखपुर ग्रामीण के जनता के तरफ से पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन करें, प्रणाम करें। जय हिंद, जय भारत। सज्जनों, मंच पर विराजमान हम सभी के श्रद्धे कृपा से आज गोरखपीठ में दो महापुरुषों के श्रद्धांजलि समारोह में हम सब उपस्थित हैं।
ये वे महापुरुष थे जिन्होंने 51 वर्ष पूर्व इस धरा को छोड़ करके स्थूल रूप में गए, लेकिन सूक्ष्म रूप में आज भी विद्यमान है। दूसरे पूज्य महाराज श्री 6 वर्ष पूर्व स्थूल रूप से स्थूल जगत को त्याग कर गए, लेकिन आज भी दिव्यात्मा के रूप में विराजमान है। जिन महापुरुष ने आज से 50 वर्ष पहले एक बीजारोपण किया कि हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, मानव धर्म जन जन तक पहुँचे, राम राज्य की स्थापना, उसके लिए दोनों महापुरुषों ने ऋषि होते हुए, तपस्वी होते हुए महाराज जनक का जीवन जिया। कर्मणि हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः, जिनके जीवन का हर एक श्वास प्रश्वास सनातन धर्म के लिए और भारतीय लोगों के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ। ऐसे महापुरुष जिनकी दृष्टि बड़ी दिव्य थी, हम अपने बड़े महाराज जी के साथ 2004 में जब यहाँ आए तो महाराज जी ने महाराज जी के वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे परम संतों के परम आत्मीय परम यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में बहुत सारी चर्चा की है, तो महाराज जी ने स्मरण दिलाया। हमारे महाराज जी ने बोले, महाराज जी एक शास्त्र में वचन आता कि पिता अपने पुत्र को और गुरु अपने शिष्य को अपने से श्रेष्ठ माने, ये तो महाराज दशरथ जी ने अनुभव किया। राम जी के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए महाराज दशरथ जी ने कहा था, मत्तः गुणवंतरम, मेरे से भी अधिक गुणवान मेरा राम है। मैं इस राम के दिव्य गुणों का लाभ प्राप्त करता हूँ। अगर मेरा राम युवराज बन जाए तो मेरे राम के दिव्य गुणों का लाभ सारी प्रजा को प्राप्त होगा। आज महाराज जी का दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि, दिव्य भाव आज सबके बीच में है कि महाराज जी के नेतृत्व में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री राम मंदिर के शिलान्यास का और भूमि पूजन का दृश्य हम लोगों ने देखा। राम मंदिर का इसलिए निर्माण जरूरी था क्योंकि राम जी संपूर्ण जीवन में अपने को ब्रह्म नहीं कहा, केवल मानव कहा, और उसका एक ही उद्देश्य था कि सारे समाज के लोग एकजुट होकर के जाति धर्म पंथ संप्रदाय को त्याग कर, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, ये भगवान का उद्देश्य था। यहाँ तक कि लंका विजय के बाद भी देवताओं ने जब प्रभु राम से पूछा आपका परिचय क्या है, तो राम जी ने उत्तर दिया, आत्मान मानुषम मन्ने रामम दशरथात्मजम, मैं मनुष्य हूँ, दशरथ पुत्र हूँ और मेरा नाम राम है। ऐसी जो प्रभु राम की उदार संस्कृति थी उसको इस पीठ के माध्यम से जन जन तक को पहुंचाया गया। आज सनातन धर्म, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को अगर देखना है तो इस गोरक्षपीठ में समग्र संस्कृति का हम अवलोकन कर सकते हैं। प्रभु की कृपा सब पर होती है, लेकिन विशेष कृपा आधार शक्ति जिनके अंदर होती है उनके ऊपर होती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन और हमारे महाराज जी का जीवन एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक श्वास राष्ट्र के उत्थान के लिए, हमारे राम राज्य की स्थापना के लिए और जन जन को सुख प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो, इसके लिए जीते हैं। अपना तो जीवन कुछ है ही नहीं, ऐसे परोपकार में जीवन जिन दोनों महापुरुषों का है, इसलिए प्रभु राम की पूर्ण कृपा हुई और बहुत शीघ्र राम मंदिर का निर्माण होगा, सारा विश्व राममय हो जाएगा और सबको परम आनंद की अनुभूति होगी। गोरक्ष पीठ की इस अद्भुत परंपरा को, जहाँ वैदिक संरक्षण इतने गौ माताओं की रक्षा, ब्राह्मणों की संस्कृत के द्वारा सेवा, हर एक दीन दुखी की सेवा केवल गोरक्ष पीठ को प्राप्त होती थी और आज पूरे प्रदेश को महाराज जी के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र को आपका नेतृत्व प्राप्त हो और आपका लाभ सबको प्राप्त हो। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। बहुत बढ़िया भाई, शरद महाबुद्धि करने से भाई, जय श्री राम, जय श्री राम।
आनंद के घोषित ब्रह्म श्री महाराज जी के छठवीं पुण्य तिथि के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी हिंदू हृदय सम्राट जिनको हिंदू नेता ही कहा जाता है श्री महाराज जगत गुरु श्री मठ श्री धराचार्य जी महाराज जगत गुरु श्री कथावाचक श्री महाराज जी मंच पर उपस्थित सभी संत ये महाराज जी की छठवीं पुण्य तिथि है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? छुआछूत खत्म किया जाए, क्योंकि छुआछूत से इतना बड़ा हानि था, इतना मुसलमान हमारे देश में थोड़े थे, लेकिन हमने जिससे घृणा किया, जिसका छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे, कुआं बनाने से मना करते थे, वही जाकर वो इस्लाम धर्म को कबूल किया। लेकिन महाराज श्री ने छुआछूत को खत्म करके और हिंदुत्व को बचाने के लिए महाराज जी का जो कार्य है उसको कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। और मैं विशेष क्या कहूं, हमको दिगंबर अखाड़ा के महंत बनाने का श्रेय महाराज जी का। और मैं जब महंत बना तो सबसे पहले महाराज जी के पास ही आया, तो महाराज से ही, क्योंकि हमारे महाराज जी और महाराज जी में इतनी घनिष्ठता थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज की श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जिनके श्रीमुख से इस साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा के श्रवण का आनंद, गोरखपुर और गोरखपीठ से जुड़े हुए श्रद्धालुजनों को प्राप्त हुआ। जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज गोरखपीठ के प्रत्येक कार्यक्रम में सदैव यहाँ पर अपनी गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने वाले दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत पूज्य स्वामी सुरेशदास जी महाराज, हनुमानगढ़ी में पूज्य संत महंत धर्मदास जी महाराज, माणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, बांसगांव से माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के मेयर, हमारे सभी माननीय विधायकगण,
काशी से, दिल्ली से, देश के विभिन्न भागों से उपस्थित हमारे सभी संतजन, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, पूज्य महाराज जी की आज छठी पुण्यतिथि है। हर वर्ष यहाँ पर एक कार्यक्रम गोरखपीठ की ओर से और गोरखपीठ की संस्थाओं की ओर से अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते रहे हैं। कार्यक्रम इस बार भी हुए हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है। कोरोना कालखंड में भी हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए इन कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं और ये कार्यक्रम यहाँ पर उस रूप में देखने को मिला। कार्यक्रम के विषय भी इससे संबंधित थे, चाहे वह राम जन्मभूमि से संबंधित रहा हो, स्वच्छता और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित रहा हो, सामाजिक समरसता का है, भारतीय संस्कृति और संस्कृत से जुड़ा हुआ है या गोरक्षा का रहा हो, इन सभी विभिन्न विषयों से संबंधित जो पक्ष थे जिनको लेकर के दोनों गोरखपीठ के पूर्व आचार्यों ने, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, उन्हीं मूल्यों को लेकर के यहाँ पर रोचक गोष्ठियाँ भी हुई, जिसमें आपने देखा होगा कि 10 लाख लोगों ने तो इस कार्यक्रम को लाइव देखा, 31 ज्यादा लाख से अधिक लोग इसके साथ जुड़े, यानी तकनीक का उपयोग करते हुए हम लोग सम विषम परिस्थितियों में भी अपने पूर्वजों के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं और ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज से 6 वर्ष पूर्व तक पूज्य महाराज जी का सानिध्य गोरखपीठ को, सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को प्राप्त होता था। वे अत्यंत सहज थे, सरल थे, भारत की सनातन धर्म की जीवन मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उससे तक किसी भी अन्य मुद्दे पर वे चर्चा करने को तैयार नहीं होते थे। सनातन धर्म और भारतीयता मजबूत है तो वह उस पथ का अनुसरण करते थे। जिन कारणों से और जो कारक हिंदू समाज को कमजोर करने, समाज को विभाजित करने या भारत को कमजोर करने के माध्यम बनते थे, उनका वह डट करके विरोध करते थे। उसमें वह व्यक्ति या संगठन या किसी भी पद का प्रवाह के बगैर वह उसके खिलाफ खुल करके बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था और यही कारण रहा कि गोरखपीठ में अपने गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए अनवरत उन्होंने 45 वर्षों तक गोरखपीठाधीश्वर के रूप में न केवल गोरखपीठ और गोरखपीठ के भक्तों का अपितु सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों और आदर्शों को न केवल अंगीकार करते हुए एक नेतृत्व दिया, अपितु संकट के समय में एक योग्य मार्गदर्शन देने का कार्य भी किया। गोरखपीठ एक धार्मिक पीठ है। धार्मिक पीठ का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं होना है। धार्मिक पीठ का मतलब धर्म,
सेवा के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें लोक मंगल के कार्यों के साथ जोड़ेगा, धर्म हमें सदाचार के मार्ग पर और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर करने के लिए नित्य निरंतर प्रेरित करेगा और इसका कार्य वे लगातार करते रहे, इसके लिए वे लगातार कार्य करते रहे, इसके लिए वे जीवन जीते रहे। गोरखस्पीठ में आप स्वच्छता की बात करें, आज से नहीं पहले से ही आपने देखा होगा सुबह और शाम वह नित्य प्रति उनके जीवन का हिस्सा था। वह एक एक जगह स्वयं घूम करके आते थे, देखते थे, स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे, पूरे प्रांगण को अंदर बाहर पूरी तरह स्वच्छ रखते थे, साफ सुथरा करके रखते थे। और यही स्थिति गोरखस्पीठ की ओर से बनने वाली संस्थाओं के लिए भी उनका यही आग्रह रहता था, यही आदेश रहता था। तो स्वच्छता को पहली प्राथमिकता, जीवन का पहला अनुशासन स्वच्छता से प्रारंभ होता है। स्वच्छ भारत मिशन, जब प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, कितना व्यापक परिवर्तन उसका व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में देखने को मिला, आप सब भी इसका अनुभव कर सकते हैं। और खासतौर पर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस चीज को देखना होगा, कितना व्यापक परिवर्तन उसके कारण हुआ। इंसेफ्लाइटिस से इसी गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से, दिमागी बुखार से इन्हीं माह में प्रतिवर्ष 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा, और 2017 के बाद जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आती है, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे करते हुए कार्यक्रम, इसके लिए सामूहिक रूप से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यक्रम चलाए, और इस बार 600 नहीं बल्कि कुल 6 मौतें हुई हैं, यानी 99% मौतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन इस बात को साबित करता है, ये है इसका क्रियात्मक पक्ष और ये है इसका एक सकारात्मक पक्ष। अक्सर होता है कि व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, वो नकारात्मकता को ज्यादा महसूस करता है, नकारात्मकता की उसकी दृष्टि ज्यादा जाती है। अगर वह अपने उसी दृष्टि को सकारात्मक कार्यों की ओर लगा दे तो उसकी ऊर्जा लोकोपयोगी हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। वे अक्सर इस बारे में कहते थे, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता था तो वे उसे ये नहीं कहते थे कि अब तुम बहुत कमजोर हो गए हो, वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारी बीमारी ने तुम्हें तोड़ दिया है, और जाके उसको एक बार मुझे उनके सानिध्य में एक हॉस्पिटल में एक सज्जन को देखने के लिए हम लोग गए, तो बीमारी से वो व्यक्ति काफी दिनों से बीमार था। तो जैसे गए मैंने उसकी हालत देखी तो मेरे मुंह से निकलने वाला था, उन्होंने मुझे रोका, तत्काल तो उन्होंने उससे कहा भाई तुम तो बहुत स्वस्थ लग रहे हो। मैं देख के ताजुब था, मैंने कहा व्यक्ति इतना कमजोर हो गया है। खैर मैंने उस समय बोला नहीं, फिर उन्होंने उसकी पेट ठोकी, कहा रे हिम्मत से काम लो, एकदम ठीक हो जाए, हो जाओगे, एकदम स्वस्थ हो जाओगे। बाहर आए, गाड़ी में बैठे, मैंने पूछा महाराज जी से, मैंने कहा कि आपने उसको, तो बहुत कमजोर हो गया है। कहा कि भाई तुम उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाने के लिए जा रहे हो या उसका हौसला तोड़ने के लिए जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो, तुम उसके स्वस्थ होने के पक्षधर हो, तो फिर जाके उसका हौसला बढ़ाओ। याद रखना, बीमारी केवल दवा से दूर नहीं होती है, बीमारी दूर होती है दुआ से और जनता की सकारात्मक पहल से भी। ये सकारात्मक पहल उस व्यक्ति को स्वस्थ करेगी। और इन सभी चीजों को लेकर के मुझे याद है जब 1997-98 में गोरखपुर में भीषण बाढ़ आई थी, मैं बाढ़ के समय में काफी काम किया, काम करने के बाद मुझे उसके बाद पीलिया हो गया,
एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, रिपोर्ट आई, महाराज जी के कमरे में ही बैठे हुए थे, डॉक्टर भी थे, मैं भी था। डॉक्टर भी थे और भी दो तीन लोग थे, तो डॉक्टर मुझे समझाने लग गया कि आपको तली हुई चीज़ नहीं खानी है, भुनी हुई चीज़ नहीं खानी है, तीखी चीज़ नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, ये नहीं करना है। तो जब तक तली हुई भुनी हुई तीखी चीज़ों को, ये वैसे भी यहाँ नहीं बनती थी, तो डॉक्टर बोल रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको दूध भी नहीं पीना है, तो उन्होंने कहा कि आखिर क्या क्या पीना है, फिर क्या खाना है। कहा कि इसमें बहुत परहेज करना होता है। उन्होंने तत्काल कहा एक कर्मचारी, जाओ एक गिलास दूध लेके आओ, इनको दूध पिला दो मेरे सामने, कुछ नहीं होने वाला है, आराम करिए, खूब खाइए पिए, कभी बीमारी नहीं होगी, चिंता से मुक्त होकर के बीमारी से लड़ो। और चिंता से मुक्त होकर के लड़ने की प्रेरणा आप आश्चर्य करेंगे, उसके बाद मुझे कभी ज्वाइंटिस हुआ ही नहीं, यानी पी लिया उसके बाद मुझे कभी हुआ ही नहीं। फिर हमेशा एक सकारात्मक पहल और उसकी ओर ध्यान देते थे, यही कहते थे भाई अच्छे पक्ष की तरफ ध्यान दो, बुराई की तरफ मत ध्यान दो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, व्यक्ति की जैसी दृष्टि होगी, जैसी सोच होगी वैसी उसकी सोच भी हो जाएगी, वह उसकी उसकी दृष्टि भी वैसे हो जाएगी, वैसे वक्तव्य भी देगा, वैसे बोलेगा भी। इसलिए अच्छा देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, अच्छा करो, एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, उसको यशस्वी बनाता है, उसको जीवन में सफलता के मार्ग उसके खोल देता है। और यह वे लगातार इस कार्य के लिए प्रेरित करते थे, एकदम लगातार इसी कार्य को लेकर प्रेरित करते थे, बहुत कुछ और चीजों के लेकर के। मैं अक्सर कर्मचारियों को डांटता था, टपटता था, तो इस बात को लेकर के भी अक्सर इस बात को कहते थे भाई देखो एक सीमा तक ही डांटना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जितनी क्षमता होगी वो उतना ही करेगा, और अगर उसकी क्षमता नहीं है तो उसको ये दायित्व भी नहीं देना चाहिए, चुपचाप समय रहते हुए ऐसे लोगों को उस दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए, प्रशिक्षित करिए। और जब दायित्व निर्वाण नहीं होता है तो बोझा बनेगा व्यवस्था के लिए भी और सबके लिए, इसलिए उसको दूसरा दायित्व दे दो। लेकिन अनावश्यक रूप से बोल करके उसको मानसिक पीड़ा देने से कोई फायदा नहीं होता, और घोड़े के बोझे को हाथी के ऊपर रख दोगे तो हाथी भी बोलेगा ये मेरा अपमान हो रहा है। इसलिए क्षमता के अनुरूप ही व्यक्ति को कार्य दिया जाना चाहिए, और उसकी क्षमता का आकलन करने के लिए हम लोगों को पहले से ही उसके बारे में अपनी रणनीति तय कर लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक सोच का परिणाम है। व्यास नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा वर्कस्पीड के लिए हम सब के लिए नित्य निरंतर एक नई ऊर्जा का कारण बनता है, हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है समाज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए, राजनीतिक जीवन के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए। विभिन्न पक्षों को लेकर के जो बात उन्होंने कही थी वे चीज़ें अक्सर हम लोगों को सच होती हुई दिखाई देती है, एकदम अक्सर सह उसी तरह हमें देखने को मिलती है। वर्कस्पीड से जुड़ी हुई संस्थाओं के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में, सनातन हिंदू धर्म के बारे में, इस देश के बारे में, भारत के धर्मस्थलों के बारे में उनकी जो सोच थी बहुत साफ थी, और कोई भी संतों के साथ तो कोई दुराव था ही नहीं, उनका कोई दुराव नहीं था, बहुत सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, एक साथ बैठ करके किस रूप में कार्य करना। और इस हद तक मैं तो देखता था कि वास्तव में किस प्रकार की मैत्री और किस प्रकार की एक आत्मिक लगाव वो जो संतों के साथ और उनके सानिध्य में उनका हो सकता था,
मुझे देख करके बहुत अजीब और बहुत ताज्जुब भी होता था देख करके। आज वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद गोरख स्पीड पर हम सब पर निरंतर बनी रहती है, और आज उसी का परिणाम है कि हम लोग हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये सब पूज्य संतों का प्रयास है, उनकी कृपा है, ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जो भारत की सनातन परंपरा हमें निरंतर प्रेरित करती है, ये कृतज्ञता का भाव इसी बात को लेकर के हमें आगे बढ़ाती है कि पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव हमें जीवन में सफलता के मार्ग की ओर भी अग्रसर करता है। और आज जब हम पूज्य महाराज जी की छठवीं पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबसे ही कहूँगा कि आपने देखा होगा इन पूज्य संतों का एक एक संकल्प सिद्धि में बदल रहा है, एक एक संकल्प सिद्धि में बदलता हुआ दिखाई देता है। किस रूप में? एक एक कार्य को लेकर के। श्री राम कथा के शुभारंभ के दिन भी मैंने इस बात को कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा ऐसे समय में हो रही थी गोरखपीठ में जब कोरोना था, लेकिन कथा हुई, बहुत सफलतापूर्वक साप्ताहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और ये कथा इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य का शुभारंभ होना इस कड़ी को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा कार्य, एक नए युग को आगे ले जाने का कार्यक्रम है। जो संकल्प उन्होंने अपने जीवन में लिया, एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दिया, एक एक कार्य सिद्धि में बदलता हुआ दिखाई दिया। और आज जब हम सब उनकी छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत संक्षिप्त बहुत शॉर्ट का कार्यक्रम आयोजकों ने रखा था, लेकिन उस सब के बावजूद तकनीक के माध्यम से सिटी चैनल ने, यूट्यूब ने, या फिर फेसबुक ने और अन्य डिजिटल माध्यम से उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक एक कार्यक्रम पहुंचा, लोगों ने इसका लाभ लिया, आनंद भी लिया, और गोरखपीठ के प्रति अपनी श्रद्धा को इसके माध्यम से व्यक्त किया है। मैं इस अवसर पर इस पीठ के जो हमारे मेरे पूज्य गुरुदेव थे ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज, उनकी छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें गोरखपीठ की ओर से उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि गोरखपीठ अपने उन सभी मूल्यों और आदर्शों को लेकर के निरंतर कार्य करेगी जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए गोरखपीठ के आचार्यों ने अपना पूरा जीवन लगाया था। उन्हीं मूल्यों और आदर्शों को लेकर के नित्य निरंतर सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, या जीवन का कोई भी वो क्षेत्र जो लोक कल्याण का कारक बनेगा, उसमें गोरखपीठ अपनी इस भूमिका को इसी रूप में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से गोरखपीठ के इन पूर्व आचार्यों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी पूज्य संतों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति हृदय से साधुवाद भी व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने इस साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या डिजिटल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं एक बार फिर से पूज्य महाराज जी की छठवीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति। इस पीठ के द्वारा, इस पीठ के पीठाधीशों द्वारा देश का, हमारे देश का शैक्षिक, सामाजिक और कल्चरल डिवेलेशन कैसे हो रहा है, उसका पुनरुत्थान कैसे हो रहा है, सौभाग्य है कि मैंने सारे विषयों को मुझे देखने का अवसर मिला। गुलामी भी देखी, आज़ादी भी देखी, पॉलिटिकल आज़ादी, और अब मैं इस देश की,
स्पीच के माध्यम से इसके निकट रह करके मैंने इसका कल्चरल, सोशल और एजुकेशनल लिबरेशन और पुनरुत्थान में देख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में भारत माता अब स्पष्ट रूप से अपने पूरे वैभव के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान है और इस विराजमान करने का श्रेय इस पीठ को जाता है, काफी हद तक इस पीठ को जाता है माननीय मोदी जी और पूज्य योगी जी के माध्यम से, जो यह भारत माता का दृश्य हमारे सामने उभर कर आ रहा है। मैं पुनः एक बार उन सारे संगठनों को, उन सारे महानुभावों को, मीडिया के लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन हमें अपना आशीर्वाद दिया, उनको और आयोजन समिति के समस्त सदस्यों को मैं एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को भी आप देता हूं। धन्यवाद। सब लोग ले रहे हैं, आप भी वहीं आइए। मित्र डॉक्टर अमरनाथ जी, डॉक्टर पवन जी, विनय जी, पंकज शर्मा, चंदन देवी, पंकज त्रिपाठी, सत्यनारायण जी और धर्मेंद्र जी, आप सबको इस कार्यक्रम को इतनी दूर तक दुनिया के सारे देशों में 31 लाख तक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सबका आभार, आप सबके प्रति पूरी आयोजन।